नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुख करते हैं प्राइम शतक की 100 खबरों की तरफ। सीओपी 26 में पर्यावरण हितैषी निर्णय और क्रियान्वयन के प्रति पीएम मोदी ने जताई चिंता। त्रिपुरा हिंसा पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, कहा यूएपीए से सच दबाया नहीं जा सकता। बच्चों की सेहत पर भारी पड़ रहा प्रदूषण, डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने भारत को चेताया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने साथियों पर चलाई गोलियां, 4 की मौत, 3 घायल। कंगना रनौत, अदनान सामी और हॉकी प्लेयर रानी रामपाल पद्मश्री से सम्मानित। दरभंगा एयरपोर्ट ने एक साल में ही बनाए नए कीर्तिमान, कमाई और यात्री संख्या में 62 हवाई अड्डों को छोड़ा पीछे। असम में फिर शुरू हुआ अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, इस बार लुमडिंग जंगल में कार्रवाई। पंजाब में इतिहास रचेंगे केंद्रीय मंत्री को उम्मीद, कृषि कानून वापस लिए बगैर सुलझेगा किसान मुद्दा। लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने घर पहुंचे पीएम मोदी, वेंकैया नायडू ने कटवाया केक। सुषमा स्वराज मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित की गई, बेटी बांसुरी ने लिया अवार्ड। सत्यपाल मलिक ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को फिर घेरा, कहा राज्यपाल पद छोड़ने के लिए हूं तैयार। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर फिर हमला, पूछा क्या ड्रग्स बिजनेस में है आपकी पत्नी की बहन। बिहार में बिछेगा पुलों का जाल, 5 साल में गंगा नदी पर बनेंगे 18 ब्रिज। चेन्नई में 6 साल के बाद फिर बारिश का कहर, मकानों में घुसा पानी, 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। बांग्लादेश को मुक्त कराने के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने किया कार्यक्रम, 1971 के शहीदों को किया याद। देश भर के पर्यटकों को लेकर अयोध्या पहुंची रामायण एक्सप्रेस, भक्त हुए भाव विभोर। अनाथालय के बच्चों की गुहार, मोदी अंकल हमारा आधार कार्ड बनवा दीजिए ताकि हमें भी समाज में पहचान मिल जाए। शिवपाल की दो टूक, सपा से गठबंधन हो या विलय, सत्ता परिवर्तन के लिए सब मंजूर। मुस्लिम ने कहा मैं बड़ा बदलाव, काजियों ने कबूल किया मॉडर्न निकाहनामा, आसान होगी शौहर बीबी की पहचान। कुशीनगर में बड़ा सड़क हादसा, खड़े ट्रक में कार घुसी, 1 की मौत, 3 घायल।
लखीमपुर खीरी में दोस्त ने की अपने दोस्त की बेरहमी से हत्या, छत विक्षिप्त हालत में मिला युवक का शव। अलीगढ़ में 21 कन्याओं को गोद लेंगे ब्लॉक प्रमुख, जन्मदिन के मौके पर उठाया सराहनीय कदम। अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत, कुएं में मिला युवक का शव। चंदौली में पूर्व विधायक ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, किसानों की परेशानी को दूर करने की मांग उठाई। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई, 1,35,00,000 हुए बरामद। कानपुर देहात में यात्रियों से भरे दो वाहनों में हुई टक्कर, आमने सामने की भिड़ंत में लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर देहात में प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन यात्रा हुई रवाना, यात्रा के चौथे चरण का हुआ आगाज। ललितपुर में जेल चौराहे गोलीकांड का मामला, मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। ललितपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, पुलिस अधीक्षक आवास पहुंचे पीड़ित के परिजन। प्रतापगढ़ में अवैध शराब का गढ़ बना रानीगंज, लाखों रुपए की अवैध शराब हुई बरामद, पुलिस ने शराब तस्करों को भी पकड़ा। रायबरेली में निकाली गई चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा, लोगों के आकर्षण का केंद्र रही झांकियां। सहारनपुर में युवती ने किया आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में होमगार्ड और दिव्यांग फल विक्रेताओं के बीच विवाद, फल विक्रेता पर होमगार्ड ने डंडे से किया वार, पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग। बुलंदशहर में यातायात महीने में पुलिस हुई सतर्क, वाहन चालकों को किया जागरूक। चंदौली में बिस्किट खाना पड़ा भारी, एक ही परिवार के 4 सदस्य हुए अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ लापता मजदूर का मिला शव, रेलवे लाइन के किनारे मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। औरैया में सड़क हादसे में बाइक सवार की हुई मौत, वाहन की टक्कर से हुई मौत। औरैया में कार और डंपर की हुई जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में इंस्पेक्टर की हुई मौत। आजमगढ़ में पेट्रोल डीजल की हुई किल्लत, वाहन चालकों को हो रही परेशानी। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय में शिलान्यास का कार्यक्रम, डीएम ने कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा, डीएम ने अधिकारियों को दिए जरूरी। बुलंदशहर में दबंगों ने पेट्रोल पंप पर मचाया तांडव, सेल्समैन को दबंगों ने जमकर पीटा।
इटावा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला, अखिलेश यादव पर किया हमला। बोले जो घर में थे उन्हें घर में ही दुबक के देना रहना और बबुआ ट्विटर का ही वोट मिलेगा। हरदोई में मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का आयोजन, मतदाता सूची में युवाओं का नाम किया जाए शामिल, बेगमगंज के बूथों का निरीक्षण। आगरा में हादसों का घर बना दक्षिणी बाईपास, एनएच एआई की लापरवाही आई सामने। इटावा में कोहरे के साथ ठंड ने दी दस्तक, बाईपास पर कोहरे की बिछी चादर। पौड़ी गढ़वाल में राज्य स्थापना दिवस पर होंगे कार्यक्रम, नए इरादे को लेकर आई युवा सरकार। पौड़ी गढ़वाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, महंगाई के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हरिद्वार कुंभ कोरोना जांच फर्जीवाड़े में मुख्य आरोपी दंपत्ति को किया गया गिरफ्तार, एसआईटी ने दोनों को किया गिरफ्तार। लालकुआ में वन विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता, वन तस्करों पर टीम ने लगाया एक्शन। कलियर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, तेज रफ्तार में दौड़ाते दिखे ट्रैक्टर। हरिद्वार में देवेंद्र प्रधान पहुंचे मसाई कला गांव, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। उत्तराखंड में बीजेपी प्रचार का फूकेगी बिगुल, बिगुल फूकने आएंगे पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा। चंपावत में मैराथन दौड़ का हुआ शुभारंभ, 125 छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। विकास नगर में निर्माणाधीन गौशाला का शिलान्यास, विधायक मुन्ना सिंह ने किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वाणी विहार में पदयात्रा निकाली, उत्तराखंड सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को है संकल्पबद्ध। रोमांच के शौकीनों के लिए अच्छी खबर, कॉर्बेट रिजर्व के बफर जोन पटाखों में इसी माह से टाइगर सफारी। पीएम मोदी के सपने के अनुरूप बद्रीशपुरी भी सवरेगा, उत्तराखंड सरकार ने तैयारी की महायोजना। टिहरी झील में एसडीआरएफ को मिली स्पीड बोट की ताकत, तत्काल होगा राहत बचाव कार्य। गंगा की स्वच्छता जागरूकता मशाल यात्रा का हुआ भव्य स्वागत, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिखाई हरी झंडी। इमरान सरकार के निमंत्रण पर पाकिस्तान जाएंगे तालिबान के विदेश मंत्री, मुत्ताकी एजेंडे का अभी खुलासा नहीं। अमेरिका में फुल वैक्सीनेटेड यात्रियों के लिए सभी सीमाएं खोली गई, हर तरह के यात्रा प्रतिबंध भी हटे।
गैर मुस्लिमों के लिए शादी तलाक का बना कानून, अभी तक शरिया कानून होता था लागू। इमरान खान के लिए मुसीबत बनी पाकिस्तान चुनाव आयोग की रिपोर्ट, पीएमएलएन ने मांगा इस्तीफा। फिलहाल अफगानिस्तान को वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका, जैक सुलिवन ने कहा। चीन में प्रदूषण रोकथाम के लिए जारी किया नया सर्कुलर, पीएम 2.5 के स्तर में 10% कमी का लक्ष्य। पाकिस्तान में महंगाई की मार के बीच पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ सकती है, इमरान खान सरकार। चीन में लाइफ टाइम राष्ट्रपति बनने वाले हैं शी जिनपिंग, सीपीसी कॉन्क्लेव में होगा फैसला। चीन ने लॉन्च की ऐसी मिसाइल, हिंद प्रशांत महासागर से ही अमेरिका को कर सकती है तबाह। पाकिस्तान में भी जहरीली हुई हवा, लाहौर दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बना। सीडीएसएल की केवाईसी शाखा की सुरक्षा में लगी सेंध, 10 दिनों के भीतर 2 बार उजागर हुई निवेशकों की निजी और वित्तीय जानकारियां। आरटीआई में खुलासा, देश में 33 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार, आधे से ज्यादा गंभीर रूप से कुपोषित। ओला फाइनेंशियल सर्विसेज अपने बीमा कारोबार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने की कर रहा तैयारी। दिल्ली गवर्नमेंट ने बढ़ाई मुफ्त राशन देने की योजना, केंद्र से भी की मांग। अपडेट होने जा रहा गूगल अकाउंट, पहले से ज्यादा होगा सुरक्षित। यस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज दरें बदली, बैंक दे रहा 7% तक इंटरेस्ट। एलन मस्क ने टेस्ला के 1.5 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेचने पर मांगी राय, 60% लोगों ने कहा बेच दीजिए। देश का सबसे बड़ा आईपीओ खुला, पेटीएम का महा आईपीओ आज हुआ ओपन। बाजार में बढ़त, निफ्टी 18,000 के पार, आईटी रियलिटी ऑयल एंड गैस शेयरों में भी बढ़त। साइबर सुरक्षा फर्म साइबर एक्स 9 का दावा, 10 दिनों में 2 बार 4 करोड़ से ज्यादा निवेशकों का डाटा लीक। शोएब अख्तर को ओवर स्मार्ट बनना पड़ा महंगा, लाइव शो से भागने पर चैनल ने थमाया करोड़ों रुपए का नोटिस। सानिया मिर्जा शोएब मलिक के छक्कों पर शारजाह में तालियां बजाती नजर आईं, सानिया मिर्जा बेटा इजहान के साथ दिखी। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह, करोड़ों भारतीयों का टूटा दिल।
विराट कोहली ने माय नेम इज लखन की धुन पर लाइव मैच में किया डांस, वीडियो हुआ वायरल। विराट कोहली के हाथ खाली, आईपीएल के बाद नहीं जीत सके टी20 वर्ल्ड कप का खिताब। क्रिकेट में पैसा लेकर सिलेक्शन, बंगाल का पूर्व अंडर 19 खिलाड़ी गिरफ्तार, आईपीएल प्लेयर भी रडार पर। राशिद खान ने बनाया अद्भुत रिकॉर्ड, दुनिया के सभी दिग्गजों को छोड़ा पीछे। सुनील गावस्कर ने कहा भारत का क्रिकेट में वैसा ही हाल जैसा फुटबॉल में इंग्लैंड का। भरत अरुण के बयान से नाराज हरभजन सिंह, बोले कोच ऐसे बहाने दे वाकई बुरा है। बाबर आजम बोले पाकिस्तानी टीम आत्मविश्वास से भरी है, सेमीफाइनल में भी यही लय बरकरार रखेंगे। सुपरस्टार निरहुआ का बड़ा दाव, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सुपरस्टार निरहुआ का बड़ा दाव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कही बड़ी बात। प्रियंका चोपड़ा निक जोनस ने फ्रेम करवाया गठबंधन, नए घर में संजोई अपने प्यार की निशानी। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल का हुआ रोका, मीडिया से छुपकर कबीर खान के घर हुई सेरेमनी। सूर्यवंशी में अक्षय कुमार के हेलीकॉप्टर सीन से अमिताभ बच्चन हुए हैरान, बोले बेवकूफी थी ये। अनुपमा की काव्या ने भरे मॉल में किया डांस, वीडियो देख लोग दिलाने लगे वनराज और बाकी याद। रजनीकांत की अन्नाथे ने अक्षय कुमार की सूर्यवंशी को बॉक्स ऑफिस पर दी पटकनी, पहले दिन कमाए कई करोड़। ईशांत सहगल पर फूटा डबल एविक्शन का बम, सलमान खान ने मायशा के साथ दिखाया बाहर का रास्ता। करीना कपूर ने दिवाली पर भांजी समायरा पर जमकर उठाया प्यार, बहन करिश्मा की बेटी के साथ शेयर की पिक। अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में 52 साल पूरे होने पर मनाया जश्न, बच्चन ने अपनी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी से खुद की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर की शेयर। माधुरी दीक्षित के बेटे रयान ने कैंसर सोसाइटी को डोनेट किए बाल, माधुरी ने एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने बेटे के इस नेक काम के बारे में दी जानकारी। शतक में फिलहाल इतना ही, आप तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।